अगर आप लोग भी ग्रुप लोन या समूह लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, यहाँ हमारे पीछे आप जो है लगभग 20-30 महिलाओं को देख रहे होंगे, एक बार इधर भी दिखा दीजिए, तमाम ग्रामीण को देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है लगभग 1 करोड़ से ऊपर की ठगी हो गई है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सोशल मीडिया और न्यूज में चल रहा है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर पूरे बस्ती में जो है एक एक घर से एक एक महिला के नाम पे 2 लोन 3 लोन उठवा कर जो है किस तरह से फ्रॉड किया जाता है। लगभग जो है 1 करोड़ से ऊपर रुपया यहाँ ठगी हो गया है और पूरे बस्ती में जो है यहाँ पे महिलाएं रोने पर जो है उतर आए हैं। रोने के सिवा इन लोगों को कोई भी उपाय नहीं है। आइए हम पूरा जानकारी आपको देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन लोगों के नाम पे कैसे लोन पास हुआ, किस कंपनी से लोन पास हुआ, कौन ठगी किया और कौन पैसा लेके यहाँ से फरार हुआ। आइए पूरी जानकारी हम आपको हम बता दें। मैं हूँ दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मधेपुरा जिला के लालपुर सर्वपट्टी में मौजूद हूँ और ये वार्ड नंबर 11 है। ये मुसहरी टोला है, हरिजन बस्ती है और तमाम जितने भी महिला हमारे पीछे खड़ी है ये तमाम महिलाएं जो है ठगी का शिकार हो गई है। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि आजकल हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में महिलाएं लोन लेती है, ग्रुप लोन चलता है, समूह लोन चलता है, कई कंपनियां जो है आकर बस्ती में लोन देते हैं, लेकिन यहां पे सभी से जो है लोन उठवा लिया गया है और ठगी कर लिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी, आप भी लोन उठाए थे क्या? सर, हाँ। कितना दिन पहले लोन उठाए थे? 3-4 साल से। 3-4 साल से चला रहे हैं? कौन कंपनी से? कंपनी के तो नाम जाने दे रहे, पैसा कोनो हाथ का दे रहे से नाम जानती है। पैसा हाथ में नहीं दिया था? नहीं था। अच्छा, उठा दे रहे मोबाइल। कंपनी का नाम भी पता नहीं है, लेकिन पैसा लोन चला रहे थे। सर, लोन सुनिए, लोन कई बार मिला, आप कई बार उठाए लोन? 4 बार। 4 बार। अभी क्या दिक्कत हुआ जो सब जमा हो गए? दिक्कत यह है से मीना देवी टका लेकर भाग गए, सब किस्ती वहाँ ले रहे। अच्छा, मोबाइल से मोबाइल टका दे रहे, लेकर चल दे रहे। अच्छा, कौन है मीना देवी? ए वाला फोदर के पुतो बबलू सिंह के भंसी। यही गाँव का है? यही गाँव का है। अच्छा, यानी की लोन आप लोग का किस्ता जो है वही चला रही? हाँ सर, वह लोन जो आया था तो आप निकाले थे खाता से कि वही निकाल? निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? तो आधार कार्ड ला ले रहे, वह से जो फिंगरों दिए थे? फिंगर, हाँ फिंगर दे दे रहे, लिंक ना काम करे रहे। कहाँ पे फिंगर दिए थे? सिंहेश्वर में, सोनू बैंक में। सिंहेश्वर में। देखिए ये खबर जो हालांकि काफी तेजी से वायरल हो रहा है, खबर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो मीडिएटर का काम कर रही थी, यही इसी गांव की महिला थी, मीना सिंह नाम बताया जा रहा है, और वही मीना सिंह जो है मीडिएटर का काम करके तमाम महिलाओं से जो है जैसे ही इन लोगों के खाता में लोन का रकम आता है वो सब महिलाओं को एक एक करके CSP पर ले जाती है और CSP पर फिंगर दिलाकर इन लोगों को कहा जाता है कि आपका पैसा अभी नहीं आया है और वहां से इन लोगों का पैसा विड्रॉल कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि जो मीना देवी थी वो कई महीनों से वो सभी महिलाओं का किस्त खुद ही अपने घर पर भरा करती थी, लेकिन जब वो अचानक से गायब हो गई, सभी का पैसा लेकर फरार हो गई, तो तमाम जो कंपनियों का स्टाफ है, जो कर्मचारी है, जब वहाँ यहाँ पर किस्त लेने आए, किस्त मांगने आए, तो सभी महिलाएं किस्त देने से मना कर दिए। महिलाएं कह रही कि हम लोन लिए ही नहीं हैं तो किस्त क्यों देंगे। अभी हमारे सामने में एक कंपनी का कर्मचारी भी है, आइए इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इश्तियाक। अच्छा, आप कौन कंपनी से? सरला डेवलपमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस। आपका भी सर कंपनी से लोन यहाँ चल रहा था? हाँ, 4 क्लाइंट है मेरा। 4 क्लाइंट है। कितना दिन पहले लोन इशू हुआ? लगभग 9-10 महीना हुआ। 9-10 महीना। लोन कितने साल का था? 11 महीना का था। 11 महीना का। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत ये हो रहा है कि जब आए तो दीदी लोग बोल रहे हैं कि दीदी घर में नहीं है। अच्छा, एक भी दीदी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, बोल रही है बात गई है, कोई बोल रही है घर है। किस्त अभी लगभग कितना बाकी होगा? 2 लगभग किस्त बाकी है। 2-3 ऐसे बाकी, बाकी हाँ। किस्त अभी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, ये लोग जो तमाम महिला जो खड़ी है, इन लोगों का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एक यही
इसी गांव की एक महिला थी मीना देवी, जो सबका पैसा जो है फ्रॉड करके उठवा लिया और फरार हो गया है। आपके भी कस्टमर के साथ ऐसा हुआ है क्या? वो हमको मालूम नहीं, मालूम नहीं है। आप जो ग्रुप जो चलाते थे सर, कहाँ चलाते थे? ये देखिए, पहले ग्रुप यहीं चलाते थे मचान पे, हाँ ठीक है। हाँ। बाद में ये दीदी लोग बोली कि यहाँ जगह नहीं है, अच्छा, व्यवस्था ठीक नहीं है, अच्छा, तो मीना देवी के यहाँ ही बैठा दीजिए, वहीं बैठ रहा था। मीना देवी उस ग्रुप में लोन ली हुई थी क्या? पेपर वो भी दी थी, अच्छा, लेकिन उसका लोन हुआ नहीं, उसका लोन छट गया, सिविक क्लियर नहीं आया। सिविक क्लियर वो लोन ज्यादा चला है, हमारी कंपनी में 10,000 से जो ज्यादा चला था उसका लोन होता नहीं। तो सर देखिए, एक सवाल हम आपसे करेंगे कि जब मीना देवी उस ग्रुप में नहीं थी तो उसके घर पे क्यों आप मीटिंग चला रहे? दीदी लोग का ही कहना था कि यहाँ जगह नहीं है, ठीक। लेकिन सर कंपनी का तो नियम नहीं है ना, कंपनी का नियम है कि किसी अदर व्यक्ति के घर पे आप ग्रुप नहीं हुआ ना, वो तो ग्रुप में पेपर वो भी दिया, संजोग से उसका लोन पास नहीं हुआ। अच्छा, ग्रुप लीडर तो वही थी क्या? उसके यहाँ चला सकते हैं ग्रुप? ग्रुप तो जब वो दीदी उसमें शामिल है तो वो तो चला सकते। अच्छा सर, आप पिछले 9-10 महीना से ग्रुप चला रहे थे, तो क्या ये चारों महिलाएं वहाँ जाती थी आपके ग्रुप में? जब हम सुबह में जाते थे ना, हाँ, तो वो दीदी लोग रुपया दे के आ जाते थे। अच्छा, हाँ। मीना देवी को, हाँ, आपको कैसे पता कि दे के आ जाती थी कि मीना देवी कहाँ से पैसा लाती थी? ठीक है, वो तो जानेगी, लेकिन हम जब पूछते थे कि दीदी लोग कहाँ है, वो बोलती थी कि रुपया दे के चल गई है। तो ये तो आपका जो रूल रेगुलेशन होता है ग्रुप चलाने का, तो रूल से तो फिर चल नहीं रहा था, क्योंकि जो जो अटेंडेंस जो बनता है कस्टमर का, तो अटेंडेंस तो बनता नहीं होगा। मीना देवी सबका पैसा दे रही थी, अब मीना देवी क्या इन लोगों से पैसा टोटल लोन ले के आपको दे रही थी कि क्या किस तरह से दे रही थी, वो तो आपको पता नहीं था? वो तो मालूम नहीं था। लेकिन अब जो है ये महिलाएँ जो कस्टमर आपकी थी, वो कस्टमर पैसा नहीं दे रही? नहीं दे रही। तो देखिए, यही कहीं ना कहीं जो है सच्चाई है, और आए दिन जो है हर गांव मोहल्ले में ग्रुप लोन को लेकर इस तरह का जो है फ्रॉड देखने को मिलता है। अब आपको हम एक सारला कंपनी है उसके स्टाफ से भी बात करके दिखाए कि स्टाफ का कहना है कि वो जो मीडिएटर का काम करती थी मीना देवी, उसी के घर पे हमको पैसा मिल रहा था, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि वो मीना देवी जो है सभी का पैसा पहले फ्रॉड कर लिया है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब मीना देवी फरार हो गई तो सभी कंपनियों का किस्त जमा होना बंद हो गया, और सभी कंपनियों के कर्मचारियों में भी बौखलाहट देखने को मिलना शुरू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे तमाम महिलाएं खड़ी सब, और आइए हम आपको दिखाएंगे इन लोगों के हाथ में जो है आप कार्ड देख रहे होंगे, यही लोन कार्ड है। जब लोन पास होता है तो कंपनी के तरफ से ये लोन कार्ड पासबुक दिया जाता है। आइए हम देखते हैं कि किस किस कंपनी से ये लोग लोन उठाए हुए थे। आइए, कौन सा कार्ड है जी? ये देखिए, ये नीतू देवी का कार्ड है, जरा दिखाइएगा इसको। नीतू देवी का कार्ड है और ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से लोन ली हुई है। कौन है नीतू देवी? आप ही हैं। लोन कब उठाए थे? मिला था लोन? आगे थोड़ा आ जाइए। आइए, लोन एले रहे खाता में? खाता में अब एल रहे कि नहीं एल रहे वो मीना ने जानती है। हमरा अहाँ लोन नहीं उठेलिए? नहीं, फिंगर ले ले रहे या बैंक में करे जो, तो हमरा आर के चली आवे रही। अच्छा, ये थोड़ा दिखाइए एक बार और, कार्ड दिखाइए। लोन इशू कब हुआ है? देखिए, डिसबर्समेंट डेट 17 मई 2024 को। देखिए, पिछले महीना ही तो हुआ है जी, मई का ही है, इसी महीना का है। दिखाइए जरा इसको एक बार और नजदीक से। देखिए, ये लोन जो है इन लोगों का इसी महीना में 17 मई 2024 को लोन पास हुआ है, लोन पास। और इसमें हम सारा डिटेल आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो नीतू देवी के नाम से जो है ये 40,000 का लोन डिसबर्समेंट हो चुका है। डिसबर्समेंट मतलब लोन पास होकर लोन मिल भी गया है। आइए हम नीतू देवी से पूछते हैं। आप ही है नीतू देवी? पति का नाम क्या है? चंद्रकिशोर कुमार। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सही है, एकदम सही है। क्या 40,000 आपको मिला है लोन? नहीं, 40,000 नहीं उठाए हैं। ये तो आपका उठ गया है जी पैसा? नहीं दे रहे। पैसा लिए हैं आप हाथ में या खाता में? कहीं खाता में ले तो वो फिंगर ले ले रहे, हमरा नहीं दे रहे। कौन फिंगर लिया? मीना देवी। मीना देवी कहाँ दिलवाया फिंगर?
सिंहेश्वर में। सिंहेश्वर में सीएसपी में क्या बोला जब फिंगर दिए तो? फिंगर दल के कल के तोरा खाता में अखन टका नहीं एलो, इंक नहीं काम करे छो। इसका कहना है कि हमको मीना देवी जो है सीएसपी पर ले गई, मीना देवी ले गई, मीना देवी क्या बोल के ले गई थी? कल के तोरा खाता में लोन पास भेलो, लोन पास भेलो तो हमरा के हाथ में नहीं दल के फिंगर ले क्या बोला? चेक कराने जा, हां चेक कराने जा रहे। कल के फिंगर ले लल के उ कल के नहीं एलो। देखिए सतर्क हो जाइए, आप लोग भी अगर ग्रुप लोन समूह लोन लेते हैं ना तो सतर्क हो जाइए। देखिए किस तरह से पूरे का पूरे बस्ती को सुन्न कर दिया है। जी हाँ, ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है। और किस तरह से जो है जासूस करके महिलाएं ही महिलाओं को ठग ली है, देख सकते हैं। 40,000 लोन पास हो गया है, लोन डिसबर्स भी हो गया है, कंपनी यानी कि लोन इसके खाता में दे दी है, और दलाल जो है इसको बहला फुसला कर सीएसपी पर ले जाती है और कहती है चलो लोन चेक कराने जाते हैं। और जब फिंगर ले लिया जाता है तो कहता है कि अभी लिंक फेल है और इसका पैसा जो है विड्रॉ कर लिया जाता है। फिना देवी कहाँ है अभी? इधर से बात चल गए घर छोड़ के बाहर। चलिए पकड़िए, हाँ पकड़िए, चलिए। मीना देवी को जानते हैं जी? नहीं, भाग गए सब घर छोड़ कर। चिन्हते हैं मीना देवी? चिन्हे छे। कहाँ का है? यहाँ गांव के छे। आप भी लोन उठाए? वार्ड से 10 वार्ड। आप भी लोन उठाए? हम उठेलिए। क्या नाम है? तुलामेन देवी। अच्छा, आप कितना लोन उठाए थे? 2 लाख करीब चारटा में जुटल। लास्ट में कितना उठाए? लास्ट में 50,000। कौन कंपनी से? कंपनी के नाम नहीं जाने छे सर। चलिए, लोन मिला आपको? मिला, निकाले खाता से? निकाल लिया, उठा दल के, मगर नहीं दल के पैसा यार। अच्छा, कल के फिंगर ले लिया सीएसपी में? हाँ फिंगर ले लिया। कौन ले गया था यहाँ से? हम नहीं जाने छे, मीना देवी ललके। मीना देवी साथ में ले गया? हाँ, मोबाइले पर मैनेजर में मैनेजर मिलल रहे, मोबाइले पर ट्रांसफर क्या दे रहे, मीना देवी ला ले रहे पैसा। अच्छा अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड। और सभी महिलाओं को जो है, सभी महिलाओं का आरोप यही है कि मीना देवी हमको सीएसपी पर ले गई, वहाँ फिंगर दिलवाई और उसके बाद जो है खाता से पैसा गायब हो गया, पैसा निकाल लिया गया। देखिए तमाम महिलाएं हैं, ये हरिजन बस्ती है, ये देख सकते हैं। सभी इधर भी दिखाइए, देखिए सभी महिला जो है यहाँ पर फ्रॉड का शिकार हुई है। बाकी जो है इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो खबर है वो तमाम न्यूज चैनल में, वो दैनिक भास्कर में भी चल रहा है ये खबर तेजी से। और सभी महिला जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। अब क्या करिएगा आप लोग, क्या बोलिएगा सरकार से, बोलिए? आपके नाम पे पैसा उठा है ना जी? हाँ। तो कंपनी को तो भरना पड़ेगा पैसा। भरिएगा। हमरा कत से भरबे, गरीब लोग छे, खाए ले मरे छे, कत भरिएगा पैसा? खाए ले मरे छे, कत से भरबे? नहीं भर पाइए? नहीं नहीं, हमरा कत से भरबे? कोनो एको किस्ती छे 2 लाख टका, कत से भरबे? हमरा के खाए ले, हमरा के बाल बच्चा मरे छे। ये बताइए, जब आप लोग कागज लगाए थे लोन के लिए तो आप लोग का सर यहाँ पे मीटिंग किए थे? नहीं सर, कहियो नहीं। हमरा का आप लोग मीटिंग में बैठे थे? नहीं सर, कुछ कहियो नहीं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत बड़का खुलासा हो गया भैया। यहाँ पे देखिए तमाम महिलाओं का ये भी कहना है कि हम लोगों के नाम पे लोन पास हो गया है, लोन जो है लोन उठा भी लिया गया है, लेकिन एक भी महिलाओं को मीटिंग में नहीं बिठाया गया। आइए और भी महिलाओं से पूछते हैं। अच्छा, आप लोग के नाम पे जो लोन लिया गया है, आप लोग मीटिंग में बैठे थे? ना कहियो ना। नहीं बैठे थे? तो लोन कैसे उठ गया जी आपके नाम? हमरा का कार्ड है, आपका भी है, निकालिए कार्ड, निकालिए कौन कंपनी से लिए हुए। देखिए सब आप ही का है। देखिए एक एक महिला के नाम पर जो है दो दो तीन तीन लोन है यहाँ पे, देख सकते हैं। देखिए IIFL समस्ता, देखिए एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए सरला, सरला माइक्रो फाइनेंस, उसके बाद जो है आप देखिए, देखिए VFS कैपिटल लिमिटेड, एक एक महिला के नाम पर तीन तीन लोन लिया गया। अच्छा, ये तीन गो जो कार्ड है आपके पास, क्या ये तीनों लोन आप उठाए हैं? हाँ सर उठा लिया। क्या गो उठाए? पता नहीं लग ले। लोन क्या गो, पैसा क्या गो से मिला है? एको गो मना। एको गो से नहीं मिला है? गजब है यार, हमरा का उठा दिया दल का, कल के लिंक के ना काम करे। तीन गो लोन आपके नाम पे पास है जी। देखिए बहुत ही चौंकाने वाला खबर है, तीन तीन लोन जो है महिलाओं के नाम पे उठा है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि एक भी लोन हमारे हाथ नहीं लगा है, यानी कि सब का सब फ्रॉड हो गया। बाकी इस तरह की घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी अगर ग्रुप लोन लेने
के लिए सोच रहे हैं या चलाते हैं लोन, तो आप अपने लोन का सही से जांच करवा लीजिए। कौन किसके थ्रू आपका लोन पास हुआ, कहां आपका किस्त जमा हो रहा है, सर आते हैं या नहीं आते हैं, या कोई मीडिएटर आपका किस्त जमा करते हैं, इन सब चीज़ों पर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस तरह की फ्रॉड जो हुआ है, इस तरह की घटना जो हुआ है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना विचार जरूर रखिए। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सके और आगे से लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं हो। बाकी आप DNY न्यूज देख रहे थे, इसी तरह लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। I'm gonna go to the next one.